हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद शांतनु सेन। शांतनु जी, ममता बनर्जी ने कहा कि ये ना समझे कि विपक्ष के जो एकता है वो एक तरीके से बिखर चुकी है। वो कह रही है कि विपक्ष की जो एकता है वो बरकरार है, और उन्होंने ये भी कहा कि जब मौका आएगा तो एक तूफान की तरह बीजेपी के खिलाफ ये सामने आएंगे। ज़रा आपसे बात करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो बातचीत जो चल रही है वो चल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग लगातार बातचीत के दौरान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दरअसल विपक्ष की एकता फिलहाल किस तरीके से मजबूत है। ममता बनर्जी जी ने कही है कि विपक्ष की जो एकता है वो टॉर्नेडो की तरह आएगा। आपको ये मालूम है कि ये यूनाइटेड अपोजिशन का जो नारा है ये सबसे पहले ममता बनर्जी लगाई, क्योंकि हमारा तृणमूल कांग्रेस का मकसद है बीजेपी मुक्त भारत करना, और इस लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस को एक सोल्जर का रूप में खड़ा होना पड़े तो भी तैयार है। हमारा नेत्री ममता बनर्जी, जिनका इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, इतनी बार सेंट्रल मिनिस्टर रह चुकी, 7 बार MP रह चुकी, 3-3 बार चुने हुए CM बन चुकी, उन्होंने ये कहा है कि जिस स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को पॉलिटिकली इलेक्शन में रोक सकता है उस स्टेट में उसी पॉलिटिकल पार्टी को लीड लेना चाहिए और बाकी सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में आप, जैसे कि यूपी में अखिलेश यादव, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, इस तरह चुनाव होने के बाद पोस्ट पोल अलायंस के बारे में सोचा जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे बाकी बहुत सारा विपक्ष की जो दल है वो भी इस लाइन पर आ रहा है, और हमको लग रहा है जो सचमुच बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो सचमुच चाहता है कि बीजेपी का जो अभी फैसिस्ट सरकार चल रहा है उससे देश को मुक्ति देना है, तो मेरे को ये लगता ही है उन लोग जरूर ये सोचेगा, और वो लोग एक सत्ता में आके, इसी पॉलिसी में आके बीजेपी के खिलाफ लड़के बीजेपी को देश से भगाएगा। और जैसे हमारा मिनिस्ट्री कैलकुलेट करके दिखा दी कि बीजेपी को लेस देन 200 सीट मिलने वाला है 2024 में। ठीक है, हमने देखा कि पिछली बार जो संसद का जो सत्र चल रहा था उस दौरान आप सब एकजुट हुए कई सारे मुद्दे को लेकर, इसके बावजूद भी क्या आए दिन बातचीत चल रहा है। हमने देखा कल एमके स्टालिन को ममता बनर्जी ने फ़ोन किया, उन्होंने सॉलिडरिटी एक्सप्रेस की, और वहाँ पर जो विवादित मुद्दा है गवर्नर को लेकर, क्या इन सब के बावजूद भी आप लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं जो संसद के जो सदन है उसके कार्रवाई के बाद भी? पार्टी का जो स्टैंड है, पार्टी का जो पॉलिसी है उसको लेकर हमारा ये कार्रवाई जारी है। जहाँ तक गवर्नर का सवाल है, ये आप देखे हैं कि जो स्टेट में अपोजिशन रूल्ड गवर्नमेंट है वो स्टेट में बीजेपी गवर्नर को उनका पार्टी का स्पोक्स पर्सन की तरह यूज़ कर रहा है, गवर्नर हाउस को उनका पार्टी का पार्टी ऑफिस की तरह यूज़ कर रहा है। ये सिर्फ बंगाल में नहीं, ये केरला में देखिए, ये तमिलनाडु में देखिए, ये बहुत सारे नॉन बीजेपी स्टेट में झाँक के देखिए, यही हालत है। और इसके लिए ममता बनर्जी ने ये नारा उठाया कि सबको इकट्ठा करके इसके खिलाफ लड़ना है। ज़रा इस बात पे भी आपका रोशनी डालना चाहेंगे कि हमने देखा कि विश्वभारती की तरफ से नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन को एक नोटिस भेजा गया कि वो फ़ौरन जो ज़मीन है उनको खाली कर दे। इस सब चीज़ों को हमने देखा कि ममता बनर्जी भी उनके आवास पर पहुंची थी कागजात लेकर, क्या रवैया है तृणमूल कांग्रेस का इस बात को? देखिए, अमर्त्य सेन एक इंटरनेशनल फिगर है, वो हमारा देश की गर्व है, वो नोबेल लॉरिएट है, वो इकोनॉमिस्ट है। उनका गलती क्या था, उन्होंने सच कह दिया कि ममता बनर्जी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होने का जो क्राइटेरिया है सब कुछ है। सिर्फ ये बोल दिया बोल के विश्वभारती विश्वविद्यालय और खास करके इनका जो वाइस चांसलर है हु इज़ एक्टिंग एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन का रूप में आके जिस तरीके से अमर्त्य सेन के साथ ह्यूमिलिएशन कर रहा है। ममता बनर्जी खुद पेपर देख के दिखा के ये बोल दी कि ये लैंड उनका पेटर्नल लैंड है, इसके बावजूद भी उनका इविक्शन का नोटिस दिया जा रहा है, उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। पूरा देश इसका खिलाफ है और पूरा देश इसको ख्याल कर रहा है, हमारा बंगाल इसको ख्याल कर रहा है। इट्स एन इंसल्ट टू बंगाल, इट्स एन इंसल्ट टू आवर कंट्री, इट्स एन इंसल्ट टू ऑल द एजुकेटेड पीपल। तो इसका जो रिजल्ट है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस ने एक तरीके से तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा है वो अकेले या फिर एकजुट होकर वो आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन पुष्पन के साथ रिक्ति, कोलकाता से आज तक के लिए।